एमबी पिंपले एमडी बीओआरएल से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया माननीय सांसद माननीय राजबहादुर सिंह जी का तुलसी के पौधे से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं सीएमएचओ सर डॉक्टर आईएस ठाकुर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया माननीय विधायक माननीय श्री महेश राय जी का तुलसी के पौधे से कृपया स्वागत करें। माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन है, माननीय गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, कृपया तुलसी के पौधे से स्वागत करें। माननीय विधायक माननीय श्री हरि सप्रे जी का डॉक्टर साहब से ही निवेदन है, कृपया अभी स्वागत मैं मंचासीन अतिथियों के स्वागत के क्रम के बाद निवेदन करूंगा। हमारे स्थानीय विधायक सम्मानी श्री महेश राय जी के लिए कृपया इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानी महेश राय जी विधायक बीना। मैं रिफिलिंग प्लांट जो कि भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग द्वारा एक रिफिलिंग का प्लांट जो कि ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश के लिए पूर्ति करेगा, आज उसका भूमि पूजन है। तो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय शिवराज सिंह जी का मैं बीना में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आज बीना में स्वागत है, वंदन है। मित्रों, मंच पर उपस्थित सभी विधायक साथीगण, सांसद, सभी हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, आज जिस हॉस्पिटल का हम शुभारंभ कर रहे हैं वो एक ऐसे समय में, उस समय से आप सभी लोग वाकिफ हैं कि एक ऐसी आपदा की घड़ी थी कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऐसे समय में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, इनके सलाहकारों ने कि बीना में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन का एक प्लांट है, उसमें हमें काफी ऑक्सीजन मिल सकती है, तो उनके सहयोग से एक ऐसे समय में जो एक विपरीत समय था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके भूमि पूजन किया। आज कम समय में वो जनता को समर्पित करेंगे। साथ में रिफिलिंग प्लांट भी एक हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हमारे मध्य प्रदेश, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऐसे समय में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, इनके सलाहकारों ने कि बीना में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन का एक प्लांट है, उसमें हमें काफी ऑक्सीजन मिल सकती है, तो उनके सहयोग से एक ऐसे समय में जो एक विपरीत समय था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके भूमि पूजन किया। आज कम समय में वो जनता को समर्पित करेंगे। साथ में रिफिलिंग प्लांट भी एक हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है,
मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हमारे मध्य प्रदेश में है, उसकी पूर्ति होगी। मैं आज सम्मानीय सभी नेताओं का और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का और पेट्रोलियम मंत्री जी का बीना आगमन पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक जी। और अब मैं आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं सम्मानीय सांसद सम्मानीय श्री राज बहादुर सिंह जी के लिए, कृपया अपना उद्बोधन इस अवसर पर हम सबके लिए प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय, पूरे मध्य प्रदेश की चिंता करने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार में पेट्रोलियम विभाग के मंत्री, हम सब लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंचासीन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री आदरणीय सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय मंत्री भदौरिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव जी, मंचासीन आदरणीय विधायक महेश राय जी, हमारे कुरवाई के विधायक आदरणीय सप्रे जी, मंच पर विराजमान सभी BORL के अधिकारीगण और विशेषतर जिनने इस पूरे कार्यक्रम को इस रूप दिया है, ऐसे आदरणीय कमिश्नर संभाग सागर आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, कलेक्टर आदरणीय दीपक शुक्ला जी, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, मैं तो ये मानता हूं कि ये हम सब सागर जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा हम सब लोगों को दी गई है। कोविड का वो समय हम सब लोगों के आंखों के सामने है, जब एक एक बेड के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे थे, एक एक सिलेंडर के लिए 50 फोन हम लोगों के पास आते थे कि एक सिलेंडर ही दिला दीजिए, एक बेड ही दिला दीजिए। मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज जी का कैसे विपरीत समय में, जब लग रहा था कि अब कब किसकी जिंदगी की डोर थम जाएगी, ऐसे समय में उनने जिस प्रकार का नेतृत्व हम सब लोगों को दिया, मैं तो अभिभूत हूं। 18-18, 20-20 घंटे जग के उनने पूरे प्रदेश में, कोई भी व्यक्ति फोन लगाता था तो मुख्यमंत्री जी फोन उठाते थे, और एक एक सिलेंडर के लिए वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रशासन के लिए या जहां भी संभव था वहां वो फोन लगाते थे। आज हमें बेहद खुशी है कि हम आज जहां पर इस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस जगह के बारे में भी मैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र भैया का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस BORL का जो सेटअप है, इस सेटअप के तहत यहां पे ऑक्सीजन मिल सकती है, इस बात के लिए उन लोगों ने सोचा और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखा, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल यहां पर, मैं मानता हूं कि वो कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि इस कार्यक्रम में यहां पे ये सब व्यवस्थाएं हो जाएं, वो व्यक्तिगत रूप से 2 बार खुद निरीक्षण करने के लिए आए थे, और निरीक्षण करके उनने भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी से बात की, धर्मेंद्र जी ने भी सहज स्वीकृति दी और वो यहां पे आके, उनने पिछले बार वो भी आदरणीय यहां पे पधारे थे और उनने तत्काल यहां पर निर्देश जारी किए थे कि यहां पे जो रिफिलिंग स्टेशन यदि संभव है तो इसको बनाया जाए, और उसके पीछे जितनी भी परेशानी थी, कहां मैं पिछले बार बात कर रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल से कोई इसके लिए के इस विशेष प्रकार की कुछ जो टेक्नोलॉजी लगती है उसके लिए पश्चिम बंगाल से उनने व्यवस्था की, और तत्काल जो चीजों की आवश्यकता थी उसके लिए उनने तत्काल आर्डर दिए, प्रशासन के लिए निर्देश दिए। मैं ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, परम आदरणीय हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने सामूहिक रूप से एक सागर के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, और ये सौगात मैं समझता हूं कि यदि
भविष्य में किसी प्रकार की कोविड की और जो बातें हो रही हैं, यदि किसी और चीजें यहाँ पे उपस्थित होगी, तो मैं मानता हूँ कि इस बीना का जो रिफाइनरी के क्षेत्र में हम यहाँ पे भूमि पूजन आज हुआ है, उससे हम लगता है कि 4-5 जिलों की ये जो व्यवस्था है ऑक्सीजन की, वो यहाँ से पूरी हो सकती है। मैं अपनी ओर से और सभी हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों की ओर से सम्मानी मंच का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद सम्मानीय सांसद जी। और अब मैं निवेदन के साथ आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानी श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश शासन के लिए, कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने कष्ट करें। बीना में आज कोविड हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर एवं रिफिलिंग प्लांट के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके और मध्य प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने में सफलता पाई है, हम उनका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, हमारे बड़े भाई के रूप में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आज उपस्थित हैं, और उनका भी इसके लिए अभिनंदन करते हैं कि ये सारा काम उनके बिना संभव नहीं था, और वो स्वयं दूसरी बार बीच में एक बार आके उन्होंने सारे निर्देश दिए और स्वयं आज दूसरी बार इसके शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, और विशेष रूप से जो ऑक्सीजन प्लांट की रिफिलिंग के लिए कंप्रेसर की आवश्यकता थी, जो विदेशों से आते हैं, उसके लिए भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने तत्काल उसके आदेश दिए, और वो लगभग 3,000 हमें अब सिलेंडर यहाँ पर आगे चल के रिफिलिंग करके मिल सकेंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का, हम सब लोगों के किसी के ध्यान में ये नहीं था कि यहाँ पर बीना रिफाइनरी से हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सकती है। जिस समय ऑक्सीजन का पूरे देश में संकट था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे, और हॉस्पिटल बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। आके तीसरी बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, और इसलिए कोरोना के संकट को लेकर किस तरह से सरकार ने रात दिन प्रयास किए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो सिर्फ खेत था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर पूरी सड़क बनाई गई, डामल रोड बनाया गया पूरा, चारों इलेक्ट्रिक की सप्लाई की लाइन खड़ी की गई, वाटर सप्लाई की लाइन खड़ी की गई। जो हॉस्पिटल बना है उसका जो डोम बना है वो इतनी मजबूती के साथ बना है कि आने वाले हम 5-10 साल तक भी उसका उपयोग करना चाहें तो आने वाले 5-10 साल तक भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बार्ड बनाए गए, बार्डों में सभी बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में और इतनी बड़ी सुविधा हमारे इस क्षेत्र को मिली है, और इससे ना केवल सागर जिला बल्कि ये 4 जिलों का सेंटर है हमारे, अशोकनगर, विदिशा, सागर, गुना, यहाँ के लोगों को यहाँ पर अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री भूपेंद्र सिंह जी। और मैं निवेदन के साथ आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन के लिए, कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने कष्ट करें। सम्मानी गोपाल भार्गव जी।
कोविड हॉस्पिटल के आज लोकार्पण के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हम सबके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रहे और जिन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का और मूर्त रूप देने में बहुत महती भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर और कुशल संगठनकर्ता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, साथी मंत्री सम्माननीय भूपेन जी, सम्माननीय अरविंद भदौरिया जी, सांसद साथी सम्माननीय राज बहादुर जी, इससे विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महेश राय जी, पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुरवाई के भाई हरी सप्रे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ और हमारे श्रेष्ठजन, सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सहित सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग सहित सभी सहयोगी अधिकारी बंधुओं और सम्मुख उपस्थित मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, हम सभी के लिए नया अनुभव है। जो दौर, दूसरा दौर कोविड का आप सभी लोगों ने देखा, हमने देखा, पूरे देश और दुनिया ने देखा, या हमें कुछ शिक्षा देके भी गया और कुछ ऐसी स्थायी निर्माण करने में हमें प्रेरित करके जो एक काम किया है, यह निश्चित रूप से एक मील का पत्थर हमारे इस पूरे इलाके के लिए, मध्य भारत के लिए साबित होगा, भविष्य के लिए। जैसा भूपेन जी ने कहा, सागर जिला, विदिशा जिला, गुना, अशोकनगर सहित हम तो मान के चलते हैं कि ललितपुर तक के बुंदेलखंड के अन्य इलाकों के लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। मैंने देखा है दौर व मंजर, कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए लोग घूम रहे थे कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भर जाए कहीं से, हमें एक इंजेक्शन मिल जाए कहीं से, दवा मिल जाए कहीं से, ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ, राउर केला, भिलाई, जमशेदपुर, जामनगर, कहीं से भी। भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने विशेष विमानों के जरिए, विशेष ट्रेनों के जरिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हमको की, वो निश्चित रूप से एक इतिहास रहेगी हमेशा याद करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने, मुझे स्मरण नहीं कि कोई दिन बाकी रहा हो, इन 40 दिनों में एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं रहा जिस दिन हम लोगों के साथ और राज्य के शासन के अधिकारियों के साथ और जिले के अधिकारियों के साथ में, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग करके, चर्चा करके, तीन तीन चार चार घंटे तक, और कभी कभी तो दिन में दो बार चर्चा करके, और हर जिले की समस्या को जिलेवार समझने की जो कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अन्य इलाकों में, दुनिया के अन्य इलाकों के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में मृत्यु दर बहुत कम रही है। तो निश्चित रूप से कहते हैं नहीं कि आपदा के समय राजा की परख होती है, आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म, मित्र नारी। तो राज धर्म का सबसे बेहतर उदाहरण जो शिवराज जी ने प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, यह इतिहास रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तीसरी लहर ना आए जिसके बारे में सभी को आशंका है, लेकिन यदि आई, क्योंकि प्रकृति का विधान है, ईश्वर का विधान है, हम नहीं जानते, लेकिन यदि आई तो यह कोविड सेंटर जो है, यह कोविड हॉस्पिटल जो है, निश्चित रूप से चार पांच जिले के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों के यह इस काम ना आए तो अन्य काम में भी हम इसका उपयोग और सदुपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एक बार सोचेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सम्मानी गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और मैं निवेदन के साथ बुंदेलखंड की धरती पर आमंत्रित करना चाहता हूं उद्बोधन के लिए सम्मानीय केंद्रीय मंत्री सम्मानी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात भारत सरकार। मैं निवेदन के साथ उनसे निवेदन करूंगा आदर के साथ
कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। बीना स्थित इस गैसियस ऑक्सीजन यानी जहां प्लांट वहीं हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल की लोकार्पण उत्सव के सम्मानित मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह भदौरिया जी, यहाँ के लोकसभा के सदस्य भाई राजा बहादुर सिंह जी, विधायक माननीय महेश राय जी तथा हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण, विशेष करके बीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, बिना रिफाइनरी के अधिकारी मित्रगण और जो चिकित्सा व्यवस्था जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर लगाई है तथा आज यहां उपस्थित कोरोना की गाइडलाइन को मानते हुए जो एक सांकेतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, यहां उपस्थित भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण और टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए मध्य जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, अभी तक 173 क्विंटल 60 किलो खाद निकले हैं, जिसमें 18 क्विंटल 40 किलो खाद बिक्री हो चुके हैं, जेकर हमला 38,000 लाभ प्राप्त हो चुके हैं सर। और बाड़ी योजना में हम अभी तक 5,000 रुपये के सब्जी बेचे हैं और बाँचा तभी सब्जी निकला थे, अभी शुरू है। के एकड़ में बोए सब्जी? एक एकड़ में सर। कहाँ सब्जी बोए वो? उसमें भट्टा है, मिर्ची, नवल गोल, टमाटर, लाल भाजी, पालक भाजी में ऐसे करके है सर। अभी नवल गोल कहाँ? अभी आते गर्मी में नवल गोल वो कहा? चलो ठीक। अभी गोबर खरीदी कितना कन कर रहे हैं? गोबर खरीदी? हाँ, गोठान में कहते गोबर आरी से गोबर खरीदी बात। अच्छा, नहीं मालूम भाई। और समूह के जन हो तुम? ना 10 जन हैं सर। 10 जन एक एक समिति काम कर रहे थे? हाँ सर, एक समूह और है मछली पालन कर रहे थे। अच्छा, और हमारा ठीक, बढ़िया, बधाई। ठीक, दे माइक लाए। गोधन न्याय योजना में हमारे बीच पशुपालक श्री सुभत यादव जी और उनके पिता गणेश यादव जी ने गोबर जो 2 रुपया प्रति किलो की दर से शासन द्वारा खरीदा जाता है वो बेचकर इन्होंने 1,19,000 का लाभ प्राप्त किया है। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे रूबरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। राधे राधे मुख्यमंत्री। राधे जी। जय यादव, जय माधव। मैं बेचे हाँ 594 बेच चुके हैं। अच्छा, कतर पैसा 1,19,000 के। अच्छा, तो तोड़कर गर्व कते कन है? गर्व कते कन है तोड़कर? 333 गर्व है। मतलब बर्दी चला था? आओ। अच्छा, और तोर घर में केटा गरवा है? मोर लगा 10 ठो गरवा है। अच्छा, तोरो का प्रश्न। अच्छा, वो सबोल मिला के बेचे तो 1,19,000 मिली? हाँ। कतका दिन में? बोला साल भर में मिली से। अब साल भर तो हो गई, खरीदी करत नहीं हुए। अभी हरेली आई तो 1 साल हो ही, अभी साल नहीं पूरे 1,19,000 कमा रहे हैं। अच्छा, वो पैसा क्या करे? पहले वही बनी भूति करते रहे साहब। हाँ,
70 रुपए 60 रुपए से रोजिन डाक रहे हैं। हाँ। अब ये चले हाँ। तो मोर लाभ बढ़ी सब है, गोबर बिक्री होल दरिश थे, गोबर पूरा इकट्ठा करता हूँ। हाँ। और बेचता हूँ। अच्छा, वही मत कर सच हो पाए हूँ तो वो गरीबी रुपया पाए थे कर का करेगा पैसा के हैं? पैसा मैं मकान बनवा था। मकान बनवा था? हाँ। के कमरा के? एक कमरा के, दो कमरा के, दो कमरा के। अच्छा, हाँ पूर्ण जैसे जैसे यदि पैसा मिला जाए वैसे वैसे मकान बना चले जाए। अच्छा। तो इकट्ठे बनवा सका। हाँ हाँ, धीरे धीरे बना। लेंटर डला गए? लेंटर 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 डाल कर? लेंटर नहीं पड़ा है, अधूरा है। अच्छा, हाँ अभी चौखट लग गया। लेंटर नहीं, चौखट लगा दे। लेंटर नहीं, जैसे पैसा मिला जाए थी भर के गोबर वाले ना। हाँ। कोई से मुर्गा बना ले जाए तो इकट्ठा नहीं बना सका साहब, मोर मोर चीज नहीं है। चलो ठीक, बढ़िया, बधाई। ठीक है, 36 वर्ष शासन की एक और महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी की ये योजना बना ली है। भारत की वैज्ञानिकों ने, भारत बायोटेक ने को वैक्सीन बना लिया था, सेरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बना लिया है, बायोलॉजिकल ई एक नया कंपनी भारत की वो भी बना लिया है, रशिया हमारे बहुत पुराने मित्र हैं वो स्पुटनिक भी उपलब्ध करा रहा है, वो भी भारत में बनना शुरू हो गया है, और जाइडस वालों ने भी वो यहां बनाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा और भी तौर तरीका निकाला जा रहा है, लेकिन 5 कंपनी तो निश्चित रूप में, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकली, जाइडस, सेरम और स्पुटनिक, ये 5 कंपनियों की ताकत से, मेहनत से भारत में जून के अंत तक, जुलाई के मध्य से 1 करोड़ टीका प्रतिदिन बन जाएगा। हम सभी को, जैसे ही कोरोना को हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी के माध्यम से संभाला, हमारी लोगों की एक स्वभाव है, थोड़ा तनाव गया तो ढिलाई भी शुरू हो गया हमारी। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि मैं टीका क्यों लगाऊंगा, मेरे तो अभी बुखार नहीं है, मेरे को तो कोई अभी खांसी भी नहीं है। लेकिन मित्रों, जैसे इस देश ने पोलियो को, मलेरिया को, BCG टीका बच्चों के लिए जैसे सफलता के साथ आज 70% हमने किया है, आने वाले मैं धन्यवाद देता हूं शिवराज सिंह जी को, उन्होंने लक्ष्य रखा है मार्च 2022 तक पूरा मध्य प्रदेश की जनता को संपूर्ण टीका लगाने के लिए। भारत सरकार मुफ्त में, मोदी जी ने 7 जून को एक बार घोषणा फिर किया है देश के सामने, जनवरी 16 से टीकाकरण शुरू हुई थी, पहले हेल्थ वर्कर को दिया गया, वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया, अप्रैल के महीने में कुछ राज्य कहे हमें अधिकार दे दीजिए, मध्य प्रदेश नहीं कहा था, मध्य प्रदेश को इसीलिए डबल बधाई, मध्य प्रदेश ने कहा कि जो प्रधानमंत्री तय करेंगे उसको हम मानेंगे, लेकिन कुछ राज्यों ने, उनको लगा कि हम ज्यादा काबिल है, हम लगा सकते हैं, उन्होंने अधिकार लिया। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक संघीय व्यवस्था में विश्वास करने वाला राज्य है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक आप भी आजमा के देख लो, लेकिन उनसे कुछ दिक्कत आई, व्यवहारिक दिक्कत आई, उनको बताया गया था, लेकिन उन्होंने उस समय में उसको अनदेखा करके वो थोड़ा दम्भ दिखाए थे, हम चला सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाई। प्रधानमंत्री फिर जिम्मेवारी लिए और ये एक घोषणा किया गया है 21 जून से नए सिरे से देश में टीकाकरण की एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, सरकार के अंदर, समाज के सभी घटकों को इस टीका लगाने की मुहिम में मध्य प्रदेश मॉडल को फिर जोर देना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी अभी क्राइसिस मैनेज नहीं, क्या क्राइसिस सॉल्व परमानेंटली करने की व्यवस्था करेगी, जो कोरोना किल, कोरोना के भिजान आपकी है, ये स्थायी रूप में किल हो पाएगी जब सभी को वैक्सीन लग जाएगी। मित्रों, आज के अवसर पे
बिना रिफाइनरी को भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग बीपीसीएल के अरुण सिंह जी ने मध्य प्रदेश के लिए एक सौगात भी दिया है। इस इलाका में ऑक्सीजन की रीफिलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है थोड़ा, चिकित्सा विभाग ने राज्य की, भारत सरकार ने देश विदेश से सिलेंडर इकट्ठा करके राज्यों को भी पहुंचा दिया, नागरिकों ने भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसमें भरे कैसे? अभी आज जो हम लोगों ने अभी शिलान्यास किया, रोज 3000 बड़े सिलेंडर यहां भरने की, 25 टन पर डे, 64 फिलिंग पॉइंट अने 64 टैप रहेगा, 2500 से 3000 सिलेंडर भरे जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी आज उसकी एक तुरंत कुछ शुरू होगा। आगे चल के स्थायी रूप में बिना रिफाइनरी यहां की संभाग की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। कोरोना की टीका बीपीसीएल भी अगुवाई करके लगाएगी। मैं आज की शुभ अवसर पे इस स्वास्थ्य व्यवस्था को मध्य प्रदेश शासन ने जो बनाई है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। हमें भी पुण्य कमाने के लिए आपने मौका दिया, बिना रिफाइनरी को उसके साथ जोड़ा, उसके लिए भी आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और अब मध्य प्रदेश परिवार के जिम्मेदार मुखिया और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के लिए मैं उनके उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जिनके कारण एक सपना पूरा हुआ, एक संकल्प साकार हुआ कि जहां ऑक्सीजन भई अस्पताल। और मैंने सबसे पहले उनसे बात की आदरणीय धर्मेंद्र जी से, और उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं की सूझबूझ से यह तय किया कि बिना रिफाइनरी में ऑक्सीजन है लेकिन भर के और कहीं नहीं ले जा सकते, इसलिए बगल में एक अस्पताल बना दिया जाए। उसलिए इस कार्यक्रम का के जो केंद्र बिंदु है वो है हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथी हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, इस प्रकल्प के निर्माण की जवाबदारी जिनको हमने दी थी, हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारे सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, यहाँ के विधायक जो मुझे फोन पर बात करते रहते थे भाई साहब कब पूरा होगा अस्पताल का काम, आदरणीय महेश राय जी, कुरवाई के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई हरि सप्रे जी, पूर्व विधायक बहन श्रीमती विनोद पंथी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गौरव सरोठिया जी, बीपीसीएल के डायरेक्टर अरुण जी, एमडी बिना रिफाइनरी महेंद्र जी, संजय शुक्ला जी और नवनीत कोठारी जी, यहाँ उपस्थित हमारे कमिश्नर कलेक्टर संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मेडिकल हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे मीडिया के मित्र और मुझे पूरा सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश पर सुन रहे बहनों और भाइयों, लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि पायलट ने मुझे समाचार दिया कि जहां हमें जाना है बुधनी, वहां काले बादल बरसात जैसी स्थिति है क्योंकि एक कार्यक्रम वहां भी है, तो पायलट ने भी कहा कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, हम जानते हैं बरसात का मौसम है। लेकिन पहली प्रार्थना जो धर्मेंद्र जी ने की मैं भी यही करना चाहता हूं कि हे भगवान, इस अस्पताल की कभी जरूरत ना पड़े। पहली प्रार्थना यही, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका उपयोग हो, ज्यादा लोग आए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहां कोई आए। परमपिता परमात्मा कृपा की ऐसी वर्षा करें कि हम लोगों को आने की जरूरत ही ना पड़े, ये तीसरी बीसरी लहर आई ना। आज माफी जरूर मांगना चाहता हूं,
माफी मांगना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से, बड़ी संख्या थी उनकी जो इस कार्यक्रम में रहना चाहते थे, लेकिन हम मर्यादाओं से बंधे, अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है और हमने तय किया कि बहुत सीमित संख्या में हम कार्यक्रम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगना चाहता हूं। महेश कह रहे थे कि बहुत नाराज हो रहे हैं भैया कार्यकर्ता, कहने लगे आ रहे धर्म परिस्थितियां होंगी तब फिर बड़े कार्यक्रम करेंगे, आज माफ कर देना। लेकिन बहनों और भाइयों, धर्मेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद और आभार, हृदय से। मैं सचमुच जितनी लगन से, जितनी चिंता से, जितनी हृदय की तरफ से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है वो सचमुच में बहुत अद्भुत है। और आज हम देख रहे हैं कि एक अस्पताल खड़ा है जिसमें 200 बिस्तर है, तैयारी हमारी 1000 की थी, लेकिन जब देखा कि कोविड का प्रकोप कंट्रोल कर लिया गया है तो हमने कहा कि अभी 200 बिस्तर से हम प्रारंभ करेंगे। एक अत्याधुनिक अस्पताल जैसी यहाँ व्यवस्था, बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, यहाँ ओपीडी, यहाँ पैथोलॉजी, यहाँ एक्सरे, यहाँ दवाइयाँ, यहाँ वैक्सीनेशन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करने की हमने विनम्र कोशिश की है, बहुत मेहनत से कोशिश की है। और प्रार्थना तो यही कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन हम दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जो भयंकरता हमने देखी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। किसी को लग सकता है अरे जरूरत क्या थी, लेकिन हाँ हमने इसलिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। तीसरी लहर भगवान करे ना आए, ना आए उसके लिए इंसान भी जो प्रयास कर सकता है हम सब मिलकर करेंगे। धर्मेंद्र जी ने कहा है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जनता को मिलकर हमको तीसरी लहर आने से रोकना है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे रोकने में, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो करके रखनी पड़ेगी। और इसलिए हमने सावधानी के तौर पर यह व्यवस्था की है कि कोई संकट आ जाए तो ऑक्सीजन है यही अस्पताल बन गया और उसको फटाफट हम और बढ़ा लेंगे, भगवान ना करे कभी बढ़ाना पड़े। यहां बिस्तर तो है ही, बाकी व्यवस्थाएं है ही, लेकिन ऑक्सीजन और हमारे पास अतिरिक्त है और इसलिए इस ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट भी और रिफिलिंग प्लांट भी बन रहा है ताकि जब जरूरत पड़े तो हम गैस के सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन के और फटाफट दूसरी जगह भेज दें, कोई दिक्कत ही ना हो हमको। और इसलिए जितनी सावधानी बरतनी चाहिए तीसरी लहर के लिए उतनी सावधानी बरत रहे। कोई ने कमेंट किया कि अब जरूरत का है, अरे जरूरत है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। अब एक बार ठोकर लग गई, हम धोखा नहीं खा सकते, ये व्यवस्थाएं जरूरी थी। लेकिन आपसे और आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जैसा कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत संतोषजनक है, कोविड पर हमने नियंत्रण पा लिया है, हमारी कोविड के संक्रमण की दर घट के रह गई है 0.46%, आधे परसेंट से भी नीचे आ गई। हम टेस्ट अभी भी कर रहे हैं लगभग 79,000-80,000 और आज पॉजिटिव आए हैं 337, सागर में आए हैं 3, सागर जिले में, और पूरे बुंदेलखंड में आए हैं केवल 15। अब यह नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन अभी भी सावधान रहना है और सावधान इसलिए कि वायरस तो अभी है, ये खत्म नहीं हुआ, ये कहीं नहीं गया, वायरस तो है। आप याद करो कैसे पहली लहर खत्म हुई और कैसे दूसरी बन गई। देखो जैसे ही पहली लहर खत्म हुई अपन हो गए निश्चिंत, फिर से शादी विवाह मेला ठेला आयोजन रैलियां धार्मिक उत्सव सब शुरू हो गया। और जब बढ़ना शुरू हुआ तो आपको याद होगा मैंने पूरे प्रदेश में कई जगह जाके मास्क लगाया कि भैया ऐसा मत करो, मास्क लगाओ, संकट बढ़ा है, संकट विकट है, दुकानों पर जाके गोले बनाए, मारे जाएंगे, सावधान रहो। भोपाल में इंदौर कई जगह में गया, गाड़ी में अनाउंस करते घूमा भैया मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, सावधानी रखो, ये महासंकट आ रहा है। 24 घंटे में स्वास्थ्य आग्रह पे बैठा भोपाल में, एक जगह बैठ के मैंने संवाद किया समाज के अलग अलग वर्गों से
लेकिन तब ऐसा लगता था कि अरे अब तो गया हो, आएगा तो इलाज हो जाएगा। अब ये इतना बेईमान वायरस है कि ये वेरिएंट बदल देता है। इस बार आपने महसूस किया होगा, पिछली बार जब बीमार हुए तो ऐसे भयंकर बीमार नहीं हुए, कुछ दिन में दवाई से ठीक, लेकिन इस बार तो वो 3-4 दिन में ही फेफड़े खा गया वायरस। पता नहीं डेल्टा कौन सा वेरियंट आया, 3-4 दिन में ही फेफड़े साफ कर दिए। उसके कारण कितनी दिक्कतें, कई अपनों को हमने खो दिया, मौतें हुई, अस्पताल भर गए। इसलिए सावधानी नहीं छोड़नी है। और सावधानी का मतलब क्या, एक काम सरकार करेगी और एक काम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और एक जनता करेगी। काम बांट लेते हैं। सरकार क्या करेगी, रोज टीकाकरण, रोज हम टेस्ट करेंगे 80,000 के आसपास, ताकि जहां मिल गया पॉजिटिव भाई तत्काल पकड़ा और आइसोलेशन में ले गए, और जो पॉजिटिव मिला उसके अगल बगल के 20 आदमियों का टेस्ट और ले लिया। ये बढ़ता कैसे, पॉजिटिव है घूम रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव आ गया उनको अलग कर दिया, 4 को और कर दिया, चार घूम ही रहे, तो पता चला घर भर हो गया, मिलने वाले जितने थे वो हो गए पॉजिटिव। अब इस बार ऐसी गलती नहीं करने वाले, पॉजिटिव मिला और हमने तुरंत अलग थलग किया और अगल बगल के सबके ले लिए, परिवार के होम आइसोलेशन में ले गए या कोविड केयर सेंटर काय के लिए बने, यहां लाके भर्ती कर दो, पॉजिटिव आए तो भैया भर्ती रहो, क्या दिक्कत है, कम भी है अगर कोई दिक्कत है तो भर्ती करो, घर में काय को रहे, बाकी काय को करे। और इसलिए तत्काल पता लगा के आइसोलेट कर दिया, उनके साथ मिलने जुलने वालों का टेस्ट हो गया, उनमें कोई पॉजिटिव मिला तो उसका इलाज कर दिया। किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, सर्दी जुकाम बुखार खांसी तो यहां चलेगा, अभी ये सेंटर अपना चलेगा, सर्दी जुकाम बुखार कोई भी भैया तो फीवर क्लिनिक है ये, महेश्वरी भैया जो भी आए भेज दो, तुरंत टेस्ट करवाओ, तुरंत दवाई लो, ताकि तुरंत पता चल जाए। तो ये फीवर क्लिनिक चलता रहेगा। तो हम किल कोरोना अभियान गांव में भी चलाते रहेंगे, घर 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 द्वार द्वार खटखटा के, और कहेंगे भैया सर्दी जुकाम बुखार है तो ये दवाई लो, टेस्ट करवाओ। तो एक रणनीति अपनी ये, टेस्ट करो, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन में ले जाओ, अस्पताल में ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करो, किल कोरोना अभियान चलाओ, ये सरकार करेगी। और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, जनता को एजुकेट करेगी, समझाएगी कि भैया सावधान रहना, निश्चिंत मत हो जाना, फिर से मेला ठेला भीड़ भाड़ कार्यक्रम आयोजन किए तो फिर ये संकट फिर आ जाएगा, क्योंकि वायरस तो फिर से फैलना शुरू कर देगा, मिलने जुलने से तो फैलता है, अभी काय को कंट्रोल हुआ, मिलना जुलना हमने खत्म किया तो कंट्रोल कर लिया, और फिर भीड़ भाड़ चालू तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए आज कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कितने दूर दूर कुर्सी लगी है, गलती नहीं करना कि मार भीड़ आ गई और फिर से। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम है, गांव की, ब्लॉक की और जिले की, कि अपने अपने जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जैसा व्यवहार चाहिए, मतलब मास्क चाहिए, दूरी चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए, बड़े आयोजन कोई नहीं होंगे भैया, 15 तक तो अभी कोरोना कर्फ्यू लगा है। अब कल मैं फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात कर रहा, मिलकर तय करेंगे कौन सी चीज करना कौन सी नहीं करना। और इसलिए जनता को भी कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। दुकानदार क्या करे ये हम तय कर रहे हैं, गोला बनाओ दुकान के सामने, इकट्ठे ग्राहक मत आने दो, वैक्सीनेशन करवाओ, मास्क लगवाओ, ग्राहक कैसे आएगा वो भीड़ नहीं लगाएगा, हाथ ठेला पे सब्जी बेचने वाला क्या सावधानी रखेगा वो तय करेंगे, उसका वैक्सीनेशन होगा, उसका मास्क लगा रहे, सब्जी कैसे दे, तो ये सारी चीजें अपन तय कर रहे हैं। आज बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जा रहा, लेकिन जनता को संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। और ये सावधानी जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ साफ करते रहो, ये चीजें करनी ही पड़ेगी। और भैया कोई बड़े आयोजन मत करना, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कोई बड़े आयोजन, जैसा तय करेंगे बस उतना ही करना है। मीडिया के मित्रों से भी कहना कि एजुकेट करने का, शिक्षित करने का काम करो। अब ये चीज अगर अपन ने कर ली तो तीसरी लहर आने से हम रोक सकते हैं, प्रबल होने से हम रोक सकते हैं, और लापरवाही ढिलाई हो गई तो फिर तीसरी लहर आ गई और कुछ नहीं है तीसरी लहर। इसलिए मेरी अपील है कि हम तीसरी लहर आने से रोकने में पूरा सहयोग जनता करे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की, ब्लॉक की, वार्ड की, जिले की जनता का मार्गदर्शन करे, हमारे कोरोना वॉलंटियर्स बने वो भी जनता को सिखाने का काम करे,
और हम सब मिलके ये कोशिश करें कि कोई असावधानी हमसे ना हो, क्योंकि दुनिया भी चलनी, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है जान भी, कब तक बंद करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, अब ये दोबारा फिर हमने गलती की, फिर तीसरी लहर आ गई, फिर बंद करो, कब तक चलेगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिजनेस ठप, व्यापार ठप, दुकानें बंद, सारी चीज कब तक बंद करेंगे? शादी ब्याह तक बंद है बताओ, अब शादी ब्याह करना है भैया तो जैसा तय किया अभी 20 आदमियों का तय किया, 15 को फिर मीटिंग करके तय करेंगे, जितनी संख्या तय, पहले करवाओ टेस्ट सब, बराती घराती जब बरात तो निकालने नहीं है, अभी डीजे मीजे ना बजना है और ना नाच गाने होना है, घर ही घर में कर कर आके एक तरफ करो, तो ये नियमों का पालन हमको करना पड़ेगा तो हम तीसरी लहर रोक सकते हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सबसे कि तीसरी लहर रोकना है ताकि अस्पताल को भरना ना पड़े। लेकिन यहां वैक्सीनेशन का काम होगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, देखो अद्भुत व्यक्ति हैं माननीय नरेंद्र, वो अद्भुत नेता भाई, पहले ही भाप लिया था केंद्र वैक्सीनेशन करेगा, कई राज्यों का अरे संघीय ढांचा है हमें अधिकार नहीं, क्या हम अपने खुद ही लगाएंगे? अब प्रधानमंत्री इनका लगाएंगे तो तुम लगाओ भैया, बाद में पता चला कि राज्यों में आपस में जूझा जूझी हो रही है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फोन कर रहे हैं हमें दो, ग्लोबल टेंडर कर रहा है, ग्लोबल टेंडर करे तो कोई टेंडर वाली कंपनी आगे नहीं आई, तो भारी अव्यवस्था मच गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे कहा कि अब भारत सरकार पूरी वैक्सीन देने का काम करेगी निःशुल्क। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जब जरूरत पड़ी धर्मेंद्र जी बैठे, अरविंद भदौरिया बैठे, जब जरूरत पड़ी टैंकर की तो धर्मेंद्र जी ने जो मदद की है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन लाना था, अरविंद भदौरिया उस काम में लग गए थे, हमारे गोपाल जी को हमने अलग अलग काम सौंपे थे ऑक्सीजन प्लांट बनाने के, भूपेन जी को यहाँ काम सौंपा कि भैया जल्दी फटाफट खड़ा करवाओ, देर मत करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के विमान, उनसे टैंकर जाएंगे खाली, कभी देखे विमानों से टैंकर आए गए हो? विमानों से टैंकर जा रहे हैं, रेलों पर धरा धरा के टैंकर आ रहे हैं, जितनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई और इस संकट को हमने थाम लिया। लेकिन दोबारा ये संकट ना आए ये कोशिश हमको करनी है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार, मतलब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का व्यवहार हमको करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो माननीय प्रधान जी ने कही, ये वैक्सीनेशन करवाना, टीका जरूरी है। अब जितनी मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, अरे बचपन में कितने टीका लगे बताओ, चेचक के टीका लगते थे, पहले कहते माता आई, अब माता आई उस समय वो धारणा थी, लेकिन बाद में हमने नस्तर कहते थे, याद होगा आपको नस्तर, अभी भी 3-3 निशान होंगे, आपके भी होंगे, 3 लगते थे ऐसे और पक जाती थी और 1-2 दिन बुखार आता था, जब टीका लगता तो कई बार हो सकता है 1-2 दिन बुखार आ जाए, घबराने की क्या जरूरत है उसमें, कोई परेशानी की बात नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है टीका। और इसलिए अब वैक्सीनेशन का काम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, अगले महीने से खूब वैक्सीन आएंगी, इस महीने भी आ रही है लेकिन सीमित संख्या में है, उत्पादन वो लगातार बढ़ाने का काम किया, तो सबको वैक्सीन जरूर लगवाना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के रिसर्च करके ये कहा है कि सबके लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन अगर लग गई तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और होगा तो फिर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी पैदा हो जाएगी कि हम आसानी से उसका मुकाबला कर लेंगे, कोई सीरियस नहीं होगा, इसलिए वैक्सीन लगवाना भी तीसरी लहर को रोकने के काम में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर इस काम से जुड़े हुए जितने मित्र हैं हमारे सारे सरकारी विभाग जिन्होंने दिनों रात परिश्रम करके इसको, अब कह रहे थे हवा कितनी तेज तेज चली बीच में, ऐसी हवाएं चली तूफान, थोड़ी बहुत दिक्कत तो तूफान आएगी तो आता ही है, लेकिन फिर भी इस ऐसी परिस्थिति में इस अस्पताल को खड़ा कर दिया, तो लगे साथ में जितने भी साथी, जितने विभाग, जितने मित्र हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर जनता से अपील करता हूं मेरे बहनों और भाइयों, तीसरी लहर नहीं आने देना है, कोविड को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है, और वो करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय रहना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। और कार्यक्रम के अंत में मैं जिलाध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा, इस अवसर पर आभार कृपया व्यक्त करें। आज के कोविड केयर